ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਲੋ इन्नी पहचानी क्यों होती है मैनू वीर कोई मुसीबत तो नहीं है सच्चे बादशाह वाहेगुरु मैनु माई का विआह रुकवाना पड़ा इस तो पहला बहुत देर हो जाए तो माई की जिंदगी रुल जाए मैनु कुछ ना कुछ करना पैना सच्चे पातशाह कोई तो राह बखा मैनू जुदा कर हाय माता रानी क्या है दी मुसीबत च पाता मैनू कि मैं हुन कुछ भी नहीं कर पा रही करा तो मैं की करा है जी मैं की कह रही हूं अपन ना ब्याह का सारा इंतजाम अपने घरे कर लें अब बेड़े च कर लवेंगे सारा कुछ टेंट शेंट जा ला के मैनू तो ना बहुत कम हैगा कल नू तो मेहंदी है माही दी ते हले ना माही का ब्याह का जोड़ा भी नहीं आया पाऊ जी राजदीप एक ठग है मैं झूठ नहीं बोलन दी पाऊ जी रब ना करे ब्याह तो कुछ अपने सारे नाल गलत हो जाए पाऊ जी एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कराओ पाऊ जी की गल जोगी जी तुसी चुप क्यों बैठे हो की होया या कोई गल करना चाहते हो आशा इस बार जो तू किया मैं वही कीता पूरी ईमानदारी नाल मैं तेरा साथ ते परसों तक राजदीप दे अकाउंट पैसे भी पहुंच जाएंगे ते साड़ी कुड़ी दा व्याह भी हो जाएगा उधर पर की आशा जब तो मैं कारोबार जा रहा सी ना ते माही ने मैनू रोक के दस्या कि राजदीप एक ठग है मैनू ओदी इंक्वायरी करानी चाहिए फिर की किता कितनी इंक्वायरी कराई है मैं इंक्वायरी की पता लग गया फिर कुछ भी मैं पूरे परिवार की इंक्वायरी कराई है सब साफ है कोई प्रॉब्लम नहीं राजदीप कनेडा जाना चाहता है तो उन्हें अप्लाई भी किया कनेडा जाने वास्ते मेरी गल उन्हें समझ दस्ती देखिया मैं क्या सी ना राजदीप का परिवार बहुत चंगा है उन्हें तो ब्याह तो बाद ना आप आके धन्यवाद करना है कि असी ओदे वास्ते इन्ना चंगा परिवार लभ्या जा दस दे अपने मापिया ते मैनू पूरा भरोसा है वो तेरे ते कदे विश्वास नहीं करना आ किवें हो सकता है यार राजदीप मेरे सामने बकिया ही कि वो व्याह सिर्फ पैसे लिए करन दिया ताकि वो कनेडा जा सके फिर वाऊ जी नू कुछ क्यों नहीं पता लग्या हाय माता रानी मैं मर जाऊंगी जे मैनू इस ठग धोखेबाज नाल व्याह करवाना पिया ते वो मेरे बाऊ जी की मेहनत नाल कमाए पैसे लैन दिया मेरे जूंदे जी मैं आ होन नहीं दे सकती बाऊ जी माही बाऊ जी मैं ना ताड़ी अगे मिंता कर दी तरले पौनी है प्लीज बाऊ जी ये ट्रांसफर रोक दो बाऊ जी उस ठग दे अकाउंट च ना पैसे ना पवाए बाऊ जी मैं ताड़ी अगे मिंता कर दी बाऊ जी
प्लीज मेरी गलता यकीन करो, राजदीप एक ठग मुंडा है बाबू जी, अही सारे बर्बाद हो जाएंगे बाबू जी, मेरी गल मान लो बाबू जी, प्लीज बाबू जी, अपनी मेहनत वाली कमाई ना उस पखंडी लिए एवं ना गुआ बाबू जी, मेरी गलता यकीन करो, प्लीज ये रोक दो, प्लीज ये ना करो बाबू जी। माही बस कर, बहुत हो गया तेरी नैश गल्ला, पता नहीं तेरे तो पल्ले नहीं पैंदी कोई गल, जा अपने कमरे च चली जा, इत्थे ना तेरी कोई गल नहीं सुनी जाएगी, बस बहुत हो गया तेरा तमाशा, असी कुछ कह नहीं डे ते तू वधी जांदी है, नाले हाँ की किया तू अपने बाऊजी नू राजदीप दा बैकग्राउंड चेक करन वास्ते, ते उन्होंने किता भी, ते तेनू एक गल दस दवां माही, सब कुछ साफ है, इहो जिहा कुछ नहीं हैगा, जे हुण भी तेरे मन च कोई गल है ना ते ओ सिर्फ तेरे दिमाग की बीमारी है, असीं इहदे च कुछ नहीं कर सकते, साडे वल्लों ना तू तो विआह लई तैयार हो रही है, नाले अज तो बाद तू घरों बाहर नहीं जाएंगी, हुण तू घरों बाहर अपनी डोली च ही जाएंगी। मम्मी मैं सच कहंदी आ, बस बहुत हो गया, मैं ना हुण ना तेरी कोई गल सुनना चाहनी आ ते ना कुछ कहना चाहनी आ, लगी समझ? प्लीज पा ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੀਪ ਇੱਕ ਠੱਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਮਾਹੀ ਆਸ਼ਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਹੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਾਡੋ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਆਊਗੀ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸ਼ਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੋਗੇ ਜੀ, ਢਿੱਡੋ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਹੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨ ਤੇ ਬਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
कुड़ी दा काम यार मेनू तो कोई राह ही नहीं दिसन दिया, सारे राह ही बंद हो गए ने, ते मेनू तो आ भी नहीं पता कि इस पड़ास नाल वीर दा कोई लेना देना है या नहीं। माता रानी आ किहो जे जाल मुड़िया तुही, तुसी मेनू इहदे च फसाया ना, हुण तुही मेनू इहदे चो कढो। निकलनी माही बंसल राजदीप एक ठग मुंडा है, वो ब्याह इस करके करन दे ताकि वो बाऊजी दे सारे पैसे ले सके। मम्मी नहीं, बस 3-4 दिन तक तेरा ब्याह हो जाना है, उदो तक तू इस घर चो बाहर नहीं निकलेंगी। पुत्र लड़ी ना इतने ला के ना बार बिजली का कनेक्शन देखी उन्होंने बारो ला दी। ठीक है आ गया तू मिठाइयां लेके। आज ही मैं कह रही हूं एक जगह इतने रखवा देने सारी मिठाइयां, फिर इधर उधर लुड़ती फिरेगी। हाँ ठीक है पुत्र उधर रह।
निम्मो निकी गल तेरी मां ने भेजा तेन इत्थे? मम्मी निम्मो नु आन दो प्लीज अंदर। ओह आंटी जी मेरी मम्मी ने नहीं भेजा मैनू, मैं उन्हां नु बिना दसे आई हाँ। मैं माही दे व्याह शामिल होना चाहती हूँ, होर कोई मकसद नहीं है मेरा। पर ओ किवें? आशा आन दे नु अंदर, व्याह ले कार च ना खुशियां होनी चाहिए। क्लेश तियां ते मावां सब दी सांझियां होंदी। जा पुत्तर तू माही नाल जाके बोलिया। आ गया विक्की, ले आया माही दे व्याह दा जोड़ा, लिया मैनू फड़ा दे, मैं ना कमरे च रख देनी साम के, लिया दे दे। यारा डिंपी फोन क्यों नहीं करन दिया? हां जी सत श्री अकाल बबली भैन जी। हां जी इत्थे तो रौनकां लगियां होईयां ने, कुड़िया बोली बोली पाण डईयां ने, हसन डईयां ने, मेहंदी लगन डई है माही नूं, राजदीप दा नां लै लै के छेड़दियां पईयां ने माही नूं। हुण नाले भैन जी आना माही दे व्याह दा जोड़ा आ गया, बस मैं अपने कमरे च रखण चली सी किते दाग दूग ना लग जाण। तुहानूं तां पता ही है कि व्याह वाले घर च किन्ना खलारा हुंदा है। वैसे असी तां तुहाडे कहण ते मेहमान घट ही बुलाए है, पर फिर भी तुसीं तां जाणदे ही हो ना। हाँ जी हाँ जी कोई ना, ठीक है जी सत श्री अकाल। हाय माता रानी टाइम लगी जान दिया, डिंपी फोन क्यों नहीं करन दिया मैनू? कित्थे है यार डिंपी, फोन कर। ओए रुक 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 रुक, आता हुई टेंपो दा नंबर है यार, माही जी नू सही मैसेज आया ही। बोले ओए कौन ओए? बाहर आ दस दिया तेनू कौन आई, ओ बाहर आ की करन डई टेंपो लाके इत्थे? ओ पाजी मैं तां टेंपो चला के ले जाके इस इलाके तो बाहर शहर च लेके जांदा सी, पर मेरी अख लग गई, बहुत थक्या होया सी, इस करके मैं टेंपो इत्थे ही पार करता जी। कि तुसीं सर जी दे बंदे हो? प्लीज पाजी सर जी नूं ना दस्यो, उन्हें शहर छड्डिया आंदा जी फटाफट। ओ कित्थे जाण डिया पुत, आ सर जी कौन है? ओही जिन्हां ने आ टेंपो किराए ते लिता सी जी। ओ ना दस ओदा, मैनू नहीं पता जी, असीं उन्हां नूं सर जी दे नाम तों ही बुलांदे आ। टोचे मैं माही नूं फोन लाना, तुसीं ते नज़र रखी ये जावे ना किधरे। खराब हो जानी तुहाडी। ओ माही जेड़ा तेनू मैसेज ते एड्रेस आया ही ओ यार बिल्कुल ठीक है, ओ टेंपो इत्थे ही खड़ोते दे है। की अच्छा ते वीर कित्थे ओ मिले तेनू? ओ नहीं यार अहिया टेंपो दे ड्राइवर नाल गल कीती आ, ओ तां कहण डे कि कोई सरजी ने टेंपो किराए ते लिता ही। ओ पिछे वेखना डिब्बी चज नाल पिछे होणा ओ। माता रानी वीर कित्थे भी होवे बस सही सलामत होवे।